तो मेरे पास सामने एक लेडी हैं जिनको हाशिमोटो थायराइडिटिस है, जिसमें कि गले में थायराइड ग्लैंड साइज बढ़ा हुआ है। जैसे इस लेडी देख रहे हैं इसको, इस लेडी का गले में थायराइड साइज बढ़ा हुआ है, साइज बढ़ा हुआ है, और उनका T3 T4 TSH नॉर्मल है। और जब FNC में हाशिमोटो थायराइडिटिस यानी लिम्फोसिटी थायराइडिटिस रिपोर्ट आई, अब उनके मन में डर है कि ये अंदर कहाँ कहाँ बढ़ा हुआ है, बढ़ के क्या होगा। तो आप सब जान लो कि हाशिमोटो थायराइडिटिस क्या होता है। इस बीमारी में थायराइड के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स होती है, वो एंटर करके कसाई बढ़ा देती हैं। प्लस इसमें एक एंटीबॉडी होता है, इसे बोलते हैं हम लोग ये एंटी टीपीओ एंटीबॉडी। ये देखो ये बढ़ के बढ़ा हुआ 98 आ रहा है, ये बढ़ा हुआ है। तो इस बीमारी में एंटी टीपीओ एंटीबॉडी बढ़ जाता है, लिम्फोसाइट ग्लैंड में इन्फिल्ट्रेट करके उसको साइज बढ़ा देती है, और थोड़ा दोनों साइड बायलेटरल इलाज में ग्वाइटर हो जाता है, इसका ग्वाइटर हो गया। बट जान लीजिए, जब तक TSH बढ़कर मोर देन 5 ना आए, कोई दवा जरूरत नहीं है। इस गला बढ़ने से अगर थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल है तो कोई तकलीफ नहीं होती है। ये कोई अंदर नहीं बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं होता है, कोई निगलने में खाने में सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। इसलिए प्लीज़ डरिए मत। एक बार एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गया, एक बार अल्ट्रासाउंड में थायराइड बढ़ा निकल गया, एक बार FNSC में लिम्फोसाइट थायराइडिटिस रिपोर्ट आ गई, उसके बाद रिपीट कभी नहीं करना आपको, ये हमेशा ऐसे आएगा। खाली TSH जांच हर 6 महीने या साल भर करना है। अगर TSH बढ़ के मोर देन 5 आए तो आपको दवा स्टार्ट करनी पड़ेगी। कभी कभी कोई सिम्टम नहीं, इवन अप टू 10 TSH भी दवा स्टार्ट ना करो फर्क नहीं पड़ता है, बट अबाउट 10 TSH जाने दवा जरूर स्टार्ट करनी पड़ेगी। 5 to 10 हो तो बॉर्डर लाइन रहेगा। ऐसे में अगर सिम्टम है दवा स्टार्ट करते हैं, सिम्टम नहीं दवा नहीं स्टार्ट करें। और सवाल ये जो गला बढ़े इसका क्या करें, तो देखो क्या होता है कि जब TSH जो है ना इस थायराइड ग्लैंड को बढ़ने में हेल्प करता है, अगर थोड़ा बहुत गला बढ़ा हुआ है, TSH नॉर्मल है, कोई बहुत देखने में ख़राब नहीं लग रहा है, तो कुछ नहीं करना, छोड़ दे उसको। ये आपको तंग नहीं करेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा, डरो मत। हाँ, अगर गला बहुत बढ़ा हुआ है तो थायराइड की गोली स्टार्ट करोगे, 6 महीने के अंदर और साल भर के अंदर ग्लैंड साइज नॉर्मल आ जाएगा। पर नॉर्मली हम दवा तब स्टार्ट करते हैं जब TSH मोर देन 5 आए। आपको कोई भी सिम्टम जो भी है वो इस गला बढ़ने से नहीं है, ना ये एंटीबॉडी जो बढ़ा हुआ आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे 98 है, किसी का 1000 भी होता है TPO एंटीबॉडी, ये भी कोई नुकसान नहीं करता है। चाहे 1000 हो, 10000, 13000 हो, इसे कोई नुकसान नहीं होता है। इसको दोबारा रिपीट चेक कभी नहीं कराना है, पैसा वेस्टेज है। तो इसको देख के डरना मत, समझे, न गला देख के डरना, न इसे कोई नुकसान नहीं होता है। तो उठा लो थोड़ा सा, समझ गए। जो तुम्हारी दाहिनी साइड तो तकलीफ हो रही है, ये साइकोलॉजिकल डर है तुम्हारे अंदर। जब भी वन साइड में तकलीफ होती है हमेशा स्ट्रेस होता है, वो अलग चीज, सब स्ट्रेस इंड्यूस होता है, ठीक हो जाएगा वो सारे स्ट्रेस से। तो थायराइड देखते डरती रहती हो और डॉक्टर और डराते हैं। सर मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर है क्या, मुझे तो ये नहीं पता। समझ गई, तो हाशिमोटो थायराइडिटिस है, मैं तो जहां जा सुन पहले हल्का है, इसकी कोई दवाई जरूरत नहीं अभी, ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। 100 में से 10 औरतों की बीमारी होती है, ठीक। सर वो क्या था कि मम्मी के मेरे वो था ना गले में ऐसे ही था, हाँ, और मम्मी के पेट में वो था कैंसर था। तो देखो सुन लो, तो ये कैंसर सोच डरती है, पहले बता दिया कि सुन पहले, हाशिमोटो थायराइडिटिस कैंसर नहीं होता है, न बनता भी कभी नहीं है, समझ गई, तो डरना मत। हाँ, ये दवा लेता हूँ तो सारी तकलीफ ठीक हो जाएगी। हाँ जी, ये जो मेरे खिंचावपन है ये और पेट, ये क्या बोला मैंने, ये सब स्ट्रेस इंड्यूस है, ठीक हो जाएगा, दवा लेता हूँ मैं।